सारे वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी की फतेह। जी सारी संगत नू इस गुरु नानक दी फुलवाड़ी दे विच वेलकम है गया और जी आया है गया। गुरु दी बड़ी बख्शिश द्वारा, गुरु दी कृपा द्वारा, गुरु दी नजर, गुरु दी ब्लेसिंग, गुरु दे सब कुछ। मेरा कहना कि जे जिस वेले गुरु विच वस जाए किसी चीज ते मार्गदर्शन आपे सहज सहज होना ही होना है। बट ऑब्वियस तो बहुत ही आई वुड से कि भाई मैंने भी 71 साल हो गए, लेकिन चिट्टी दाढ़ी भी हो गई, लेकिन समझ कुछ नहीं पई। वो ए फॉर एप्पल ते फस के मैं ते ना एप्पल ते ही रह गया, और जिस तरह कहते ना कि नाल बी फॉर बॉय, बॉय ते चिपक गया, ना ए दी समझ पई ना बी दी समझ पई। लेकिन ये क्लासा जड़ियाँ हो रही हैं ये विच वाकई ही आई एम इन टेलिंग यू कि इतना मतलब वैरायटी ऑफ थॉट। जिस तरह गुरमीत जी कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल सिंपल चीज दस रहा सीधी, मैं कहना थोड़ी बिल्कुल सीधी तो सुरनजीत जी की कॉम्पलैक्सिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होलिस्टिक कॉस्मिक पावर दोनों के बीच इतना, जिसनों कहते भाई निर्गुण और सरगुण, वो दोनों का मिलाप हो रहा है कि फ्रॉम टाइनियस टू काइनी क्रिएचर नू इतनी समझ पै रही है कि भाई माटी का पुतला कैसे कैसे नचत है। असी बिना गले ही अपने आप नू अज्ञानी होके बहुत ज्ञानी समझ दे रहे, एंड हुन ऐसे क्लास पता लग रहा है कि कितना समुंदर गहरा है, यू नो, एंड कितना उदे विच सहज है, कितना आनंद है उस गहराई दे विच जिसले असी जाने आ देखदे आ। कल उन कल दी क्लास हाले तक मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही। मैं अविनाश जी नाल गल कर रहे सी ते अविनाश जी कहंदे कि मैं हाले नू 2-3 वारी पढ़ा सुनांगी तां जाके मैनू समझ पेगी। ते ए हर की वडियाई देखो संतो, हर निमानिया मान दिवाए, जो धरती चढ़न तले ते ऊपर आवे, जो नानक साथ जना जगत आन सब पैरी पाए। वो उदय बख्शिश है अज साडे वीर वीर गुरमीत जी सानू अगे लैके जाणगे, और अज वो मिडवे ते लै जाणा है इन्होंने, ते फिर असी होर रिफ्रेश होवांगे। हर पौड़ी ते एक नवा एक्सपीरियंस, नवा अध्ययन, नवा आई वुड से दैट एक्सप्रेशन ऑफ थॉट दे विचों निकलदे होए असी वो पंज खंडां दे विचों निकल के सचखंड मार्ग ते पहुंचण दा यतनशील होवांगे। ओवर टू यू गुरमीत वीर जी, सांझ करो और अपने विचार सांझे करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। असी अज मिडल ऑफ जपजी साहिब तक पहुंच जावांगे। असी 16वीं पौड़ी तो शुरू करके 19वीं पौड़ी, 4 पौड़ियां असी अज व्याख्या इन्हां दियां करांगे। ते ए 4 एक्चुअली अगेन एक बंडल हैगा। ते ए 4 दा बंडल इस करके है कि जिहड़ी अखीरली पंक्तियां रहिंदियां ने 16, 17, 18, 19 ए 4 पौड़ियां दी जिहड़ी अखीरली पंक्तियां ने ओ कॉमन है। ओ पंक्तियां की हैगियां ने, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। लगता है नानक देव जी ने ए चारा नू मिला के एक मैसेज सानू दिता है। नॉर्मली जदों असी शुरू करने आ पौड़ियां दी व्याख्या, ते असी पौड़ी दी शुरुआत तो शुरू होके फिर पिछे चलने आ, ते शुरू विच कोई सवाल हुंदे ने या कोई साडे सामने गुरु नानक देव जी कोई फैक्ट्स रखदे ने, ते एंड विच जाके ओ सानू जवाब दे दिंदे। ते इस वारी यह जिहड़ी 4 पौड़ियां हैगियां ने इन्हां नूं असी रिवर्स ऑर्डर विच करांगे। रिवर्स ऑर्डर विच करना बड़ा जरूरी है कॉन्टेक्सट इस्टैबलिश करन वास्ते, नहीं तो यह पौड़ियां दा आपस जिहड़ा संबंध है वो समझ नहीं आता कि यह सारियां विच आपस विच कॉमनैलिटी की हैगी है 16, 17, 18, 19 पौड़ी विच।
ते रिवर्स इंजीनियरिंग जिस तरह होंगी है ना कि भी साढ़े सामने प्रोडक्ट रख दिता जाए कि भी यह प्रोडक्ट इस तरह बनाना है तो लुधियाने जाके वह प्रोडक्ट बन जाता है वह सौखा होंगे अगर असी रिवर्स शुरू करिए अगर असी प्लान करना है भी फ्लाइट पकड़न जाना अगर सानू फ्लाइट का टाइम पता हो कि भी 10 बजे का टाइम है उत्थे 3 घंटे पहले पहुंचना है 7 बजे पहुंचना है घंटा सानू उत्थे जाने च लगेगा तो घरों 6 बजे निकलना रिवर्स कैलकुलेशन कई बारी ज्यादा ईजी होंगी है बजाय सीधी कैलकुलेट करना ते यह खाली एग्जाम्पल देने वास्ते है कि भी असी अज पौड़ी नू रिवर्स करांगे ते हाली तक जपजी साहिब दे असी मिडल विच पहुंच रहे हां मेन जेड़ा मैसेज गुरु नानक देव जी ने दिता है वो पहली 7 पौड़ियां विच दिता है फर्स्ट हाफ का जेड़ा मैसेज है उदे बाद 4 पौड़ियां विच उन्होंने दस्या है कि भी की सुनना है फिर 4 पौड़ियां विच दस्या भी मनना की है ते मनन नाल की होना है ते ऐ 4 जिहड़ी पौड़ियां हैगियां ने ऐ क्रिएशन दे बारे दस्या है क्रिएशन दी इनफाइनाइटनेस बारे दस्या है ते क्रिएशन दे अंदर की हैगा उहदे बारे दस्या है ते ऐ भी दस्या है कि भी वी आर टू स्मॉल टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रिएशन एंड देयरफॉर आवर अटेम्प्ट शुड नॉट बी टू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट Our attempt should be to accept the universal order that he has created in his creation. So, there is a central message hai gaya, hai 4 pauriyan da, wo hai gaya, to accept the universal order of God's creation. Is karke commonality jehdi hegi hai, वो यही हैगी है जो तुद भावे साई भलीकार जो तुझको अच्छा लगता है वही भला है वो ही भला कार्य है और तू सदा सलामत रहने वाला निरंकार है फॉर्मलेस गॉड हु हैज ऑलवेज बीन देयर हु विल ऑलवेज बी देयर And whatever you have done, whatever you will do, is right for us and it is right for creation. Sadi sari zindagi, jehdi har cheezan sade samne aandiyan ne, unhan nu judge karne ch, question karne ch, लग जांदी ने वी आर ऑलवेज इन डाउट वेदर गॉड्स क्रिएशन इज फेयर और नॉट वेदर दिस इज हाउ इट शुड बी और दिस इज हाउ इट कुड बी असी ए ख्यालां च लगे रहने हैं सो 4 पौड़ियां च यही मैसेज हैगा 16वीं पौड़ी च सानू दस्या जांदा है पंचां बारे वो असी डिस्कस करांगे भी गुरु नानक देव जी ने किन्हां नूं पंच आख्या है असी डिस्कस करांगे धर्म बारे कि पूरे यूनिवर्स की जिहड़ी क्रिएशन है वो किस तरह सांभी गई है थोड़ा जिहा डेस्टिनी बारे भी डिस्कशन होएगी तुसी क्रिएशन दे कॉन्स्टिट्यूएंट्स नूं अगर देखो ते 16वीं पौड़ी च उन्होंने दस्या है पंचां बारे द मोस्ट रिस्पेक्टेड पीपल सेंटली पीपल फिर 17वीं पौड़ी च उन्होंने दस्या अबाउट द पीपल हु आर ट्राइंग टू बी ऑन द डिवाइन स्पिरिचुअल जर्नी द गुड पीपल इफ यू वर टू सिंपलीफाई इन द 18वीं पौड़ी सारी गल जिन्हां नूं सो कॉल्ड असी बैड मन्निया असंक मलेच मल भक खाए सानू लगता है भी यह हराम खोर की गल ਇਹ ਅੰਧ ਘੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮਲੇਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 19 ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਮੈਸੇਜ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਨੈਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਰ ਜੱਜਿੰਗ ਗੋਡ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਰ ਜੱਜਿੰਗ ਹਿਸ ਫੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਆਰ ਜੱਜਿੰਗ ਹਿਸ ਮੈਜ਼ਰ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ DNA ਦੇ ਕੋਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 2% ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਸਟਨੈਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਡਿਸਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ DNA ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਮਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਮਨੈਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਗੋਡ ਵਿਸ਼ਿਜ਼ ਇਟ ਟੂ ਬੀ ਨੈਕਸਟ ਅਗੇਨ ਰਿਵਰਸ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਥਰਡ ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਨੇਚਰ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਾਟ ਕੈਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਵਾਸਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਛੋਟਾ ਤੁੱਛ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਈਵਨ ਕੇਪੇਬਲ ਆਫ ਬੀਂਗ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਡ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਲੈਂਬ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਵਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਵਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ 10 ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਰੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਸਮਾਲ ਸੋ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਸੋ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਡ ਸੋ ਇਨਫਿਨਿਟੈਸਿਮਲੀ ਸਮਾਲ ਆਈ ਐਮ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਵਰਥ ਬੀਂਗ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਡ ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਵਰਥ ਬੀਂਗ ਏਬਲ ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਔਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਯੋਰ ਨੇਚਰ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕੋਂਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਲਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੇ ਦਰਗੇ ਮਾਨ ਹੁਣ ਪੰਚ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਪੰਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੰਚ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਓ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਟੀਮ ਆਫ ਐਲਡਰਲੀ ਵਾਈਜ਼ ਪੀਪਲ ਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਪੰਚ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਦਾ 5 ਵਾਈਜ਼ ਪੀਪਲ ਆਫ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੰਜ ਕਿਉਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਹੋਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਤੇ ਬੈਸਟ ਆਫ 5 ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਡ ਨੰਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਮਪਾਰਸ਼ਲ ਵੋਟ ਹੋਏ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ 5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ
इस करके इथे जिहड़ा वर्ड जपजी साहिब विच पंच यूज किया गया है फॉर द सेंटली रिस्पेक्टेड परसन जेड़े सुनिए ते मन्ने दोनों नू फॉलो कर रहे ने जेड़े सारे दे सारे डिक्टेट्स नू फॉलो कर रहे ने जेड़े सेंटली परसन्स ने उन्हां नू इत्थे पंच आख्या गया परवान मतलब अप्रूव अकनोलेज जिहदी क्वालिटी अक्रेडिटेड होए उन्हों परवान आखदे ने ते इत्थे जिहड़ा जिक्र है कि भी आफ्टर डेथ व्हेन यू गो टू द लॉर्ड्स कोर्ट द सेंटली पीपल देयर क्वालिटी विल बी अटेस्टेड अक्नॉलेज्ड अप्रूव्ड एंड दे विल बी स्टैंडिंग अहेड इन द लाइन प्रधान मतलब सुप्रीम प्रधान मतलब जिहड़ा अग्गे खड़ा होए उन्हों प्रधान कहिंदे ने पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान केड़ी दरगा रब दी जेड़ी कोर्ट है उन्हों दरगा आख्या गया थे द डोर ऑफ द लॉर्ड व्हेन द सेंट्स रीच द डोर ऑफ द लॉर्ड दे शैल क्वालिफाई द टेस्ट एंड दे शैल बी स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट दे विल बी गिवन प्रायोरिटी टू एंटर द लॉर्ड्स हाउस पंचे सोहे दर राजान सोहे मतलब शोभा देते हैं सुंदर लगते हैं दर दरवाजा राजान राजा पिछली दो पंक्तियां च डिवाइन कोर्ट दी गल हुई है उन दो पंक्तियां च वर्ल्डली कोर्ट दी गल हो रही है कि जेड़े सेंटली लोग ने वो दुनियावी कोर्ट दे अंदर भी उन्हें इज्जत मिलेगी वो उत्थे दी शोभा बनेंगे उन्हें वर्ल्डली राजा जिहड़े किंग ने उन्हें दे दरवाजे ते भी इज्जत मिलेगी वो उत्थे दी शोभा बनेंगे पंचे सोहे दर राजान जे को कहे करे विचार इफ समबडी actually follows all these saintly rules and ponders over it, even then, karte ke karne nahi sumar. Sumar means to measure, kisi cheez ka maap lena. Even these people, they are not, despite being saintly, despite following all the knowledge and wisdom, they will not be able to measure the doings of the Lord. Karte matlab ethe Lord nu, who is the karta, the doer of everything, his actions will not be measured by even these saintly people. Dhol dharam daya ka poot संतोख थाप रखिया जिन सूत हुन इत्थे एक हिंदू माइथोलॉजी हैगी है कि धरती नू एक बुल मिथिकल बुल दे ने अपने हॉर्न्स दे उत्ते चुकिया सो हियर यू विल फाइंड इन दिस पौड़ी लेटर गुरु नानक देव जी इज मेकिंग अ पॉइंट दैट We say, according to mythology, that a bull is actually holding the weight of the earth. But actually, there is no such bull, because if there is a bull, dhol, jeda mythical bull hega hai, te o kis de utte khade hai? Which means you have another earth under it. And then to support that earth, you will need yet another bull. And then that series will go on. So again, this will come later in this body. So Guru Nanak Dev Ji says that there is no bull supporting the earth or all the celestial bodies. The entire universal creation, it is being supported by dharam. And
धर्म इज द सन ऑफ दया विच इज कंपैशन एंड फर्दर धर्म हैज गिवन बर्थ टू संतोख विच इज कंटेंटमेंट एंड ऑल दीज थ्री आर इन वन स्ट्रिंग वॉट आर द थ्री थिंग्स इन द स्ट्रिंग दया विच इज कंपैशन धर्म विच इज द रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द होल यूनिवर्सल ऑर्डर इज पुट इन प्लेस एंड संतोख विच इज कंटेंटमेंट सो वॉट ही इज गोइंग टू से इन द नेक्स्ट लाइन इट विल बिकम क्लियर जे को बुझे होवे सचियार धवले ऊपर केता भार धरती होर परे होर होर तिस्ते भार तले कवन जोर सो गुरु नानक देव जी सेज दैट व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट देर इज नो bull which is supporting the whole universe because if there was a bull supporting the universe then there will be another earth under it and then there will be another bull under it and then another earth under it what is supporting that final earth so dharti hor pare hor hor tiste bhar tale kavan jor jo final dharti hai उसको कौन सपोर्ट कर रहा है एंड द आंसर इज एक्चुअली अर्लियर द आंसर इज ओवर हियर जेको भुजे होवे सचियार जिसको ये बात समझ में आ जाती है कि धर्म के अनुसार सारा यूनिवर्स चल रहा है और हम कभी भी किसी सिस्टम को अगर देखते हैं अगर हम मानते हैं कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से सिस्टम चल रहा है मेनी टाइम्स इट इज फियर बेस्ड रेगुलेशन हियर गुरु नानक देव जी इज वेरी ब्यूटिफुली क्लैरिफाइंग दैट द धर्म ऑफ द गॉड वाहेगुरु का जेड़ा धर्म हैगा वो कंपैशन तो बॉर्न हो गया फंडामेंटली ही सेइंग दैट द धर्म इज वेरी लविंग एंड कंपैशनेट एंड इट इज कंटेंडेड एंड व्हेन अ सेंटली पर्सन अंडरस्टैंड्स दैट द होल क्रिएशन इज सपोर्टेड ऑन अ यूनिवर्सल ऑर्डर व्हिच इज बेस्ड ऑन compassion, righteousness and contentment and when he embraces the same in his own life, when he becomes righteous, when he is full of contentment and when he is full of compassion, then he is able to see how the whole world is actually being supported, how the whole creation is actually being supported. And then he gets sachyar, which is why it says, Jeko bhuje hove sachyar, dhavle upar keta bhar, dharti hor pare hor hor, tiste bhar tale kavan jor. When the saintly person understands that it is not the bull, but dharam, कंपैशन एंड दया एंड संतोख ए तिना चीजा जदों वो अपनी लाइफ इच सूत बना के एम्ब्रेस कर लेंदा है तां उनु सचियार हुंदा है तां उनु क्रिएशन दे सारे रूल समझ आने शुरू हो जांदे ने ते उनु ए भी समझ आ जांदा है कि भी कोई बुल नहीं हैगा जेड़ी सारी क्रिएशन नु सपोर्ट कर रहा है So I don't know why Guru Nanak Dev Ji has written this whole podi in the reverse order and it becomes difficult to explain and whether I was able to explain. But maybe when we read it again all the way from the beginning till the end, it will become clear.
So I'll go again from the beginning till the end. Panch Parvan, Panch Pradhan. The saintly people, they will be acknowledged and given priority. Panche Pave Darge Man. The saintly people will find access to the divine court in the Lord's court. Panche Sohe Dar Rajan. The saintly people will also find respect and shobha in the worldly king's court. Jeko Kahe Kare Vichar. Karte Ke Karne Nahi Sumar. If anybody says that he knows how the world works, then even he does not know or he cannot measure the workings of the universal Lord, the universal doer. What he can do, however, while he cannot measure it, he says what he can do, however, is understand that there is no dhol. Dhol dharam daya ka poot. The power that is supporting the universe is dharam. And the dharam is loving and compassionate dharam. Santok thap rakhya jinsut. And that dharam is also full of contentment. It is not a greedy righteousness. Oftentimes we see in life some people are very righteous, but they are still very greedy. They are not full of contentment. So compassion, righteousness, as well as contentment, when all these things are strung together by a saint, Jeko Bhuje Hove Sachyar, when he understands all this, the truth is revealed to him. Dhavle Upar Keta Bhar, what is the weight on that bull? Dhart. There are many earths that will therefore be needed to support that bowl. And tiste bhar tale kavan jor, if that was the system, then what is the force which is carrying all the earth? So all that will be understood to that saintly person. Now in the 16th pauri, there are three parts. This is part A and B. And now we are coming to the part C of the 16th pauri. Ji jat ranga ke naam, sabna likhya woody kalam. Woody da matlab hai ga flowing like a river. It is, kalam is the pen or the pencil. So here, Guru Nanak Dev Ji says, all living beings, all species, subspecies, all colors of life in creation of all names, their entire life has been scripted by the flowing pen of the Lord, which means all the creation that you see, it is following the God's script, and that script is flowing script. Ae likhya likh jane koe, lekha likhya keta hoe. Very few people who can understand a little bit about how this script is written of the God. Ae lekha लिख जाने कोई, बहुत थोड़े रेयर विरला कोई बंदा हुंदा है, उन्हों भी थोड़ा जिहा ज्ञान हुंदा, जिस तरह सानू हुण डीएनए बारे पता लग गया है कि भी डीएनए इज हाउ द बॉडी स्क्रिप्टेड, इस तरह ही स्पिरिचुअल जिहड़ी नॉलेज वाले बंदे ने उन्हां नू पूरी वर्ल्ड दी यूनिवर्स दी स्क्रिप्ट दे बारे थोड़ा बहुत पता लग जांदा है. लेखा लिखिया केता हुए, केता तान स्वाल्यो रूप. तान दा मतलब है गया स्ट्रेंथ. एंड व्हाट इज इट दैट दोज पीपल कैन कम टू नो, व्हाट इज द ह्यूज
power that is needed, the immense power and the beautiful, fascinating forms that that power is able to create. Actually, if you think, so many species, so many subspecies of different colors, and then next we will also learn about many worlds and many universes. It takes so much energy to cook one dish. It takes so much energy to create a company and run it. It takes so much energy to run a country. To create and operate and run such a vast universe, how much strength is needed? You can imagine that is the strength that the Lord has. And it is such a beautiful, fascinating strength which is able to create things of such beauty. Keti Daat Jane Kamand Koot. And it is full of so many blessings that we can't even measure. Koot means to measure. Kisi cheez ka andaza lagana, estimate lagana, usko कूत बोलते हैं कि इतनी दाते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं इस यूनिवर्स के अंदर, इस क्रिएशन के अंदर जो हमारे लिए बनाई है और पूरी यूनिवर्स के लिए बनाई है, कि हम उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते. ए लाइन बहुत ही जबरदस्त है, कीता पसाओ एको कवाओ. कवाओ इज अटरेंस, the utterance of the sound of creation. Anhad naad jide naal vaiguru ne sari creation saadi sari creation nu create kita hai, ode bare kiya ja reha hai ki eko, just one utterance has given rise to such a vast expanse. Pasao matlab pasara, expanse. Kita is how big. How amazingly big expanse has been created with one utterance of Vaheguru. Kita pasao eko kavao, tiste hoye lakh daryao. Hun daryanu asi river, literally river samajh sakne hain, but ethe gal ho rahi hai creation de processes. Each process of creation is a darya. तिस्ते हुए लख दरिया, जिससे हुए, एक कवाओ से इतना बड़ा पसारा फैल गया, इतनी बड़ी क्रिएशन क्रिएट हो गई, और जिसमें से लाखों दरिया, लाखों प्रोसेस स्टार्ट हो गए क्रिएशन के. बहुत गैलेक्सीज बन गई, बहुत सोलर सिस्टम्स बन गए, और वो सब चल रहे हैं, और हर प्लैनेट के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस ऑफ क्रिएशन चल रहे हैं. सब के सब एक ही अटरेंस से निकले. कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते हुए लख दरियाओ. कुदरत कवन कहां विचार, वारिया न जावा एक बार. जो तुद भावे साई बली भली कार, तू सदा सलामत निरंकार. कि यू आर सो इनफाइनाइट, सो पावरफुल, सो ब्यूटिफुल दैट यू हैव क्रिएटेड एवरीथिंग. एंड नॉट ओनली आर यू सो पावरफुल, नॉट ओनली इज योर क्रिएशन सो ब्यूटिफुल, not only are your blessings immeasurable, unestimatable, what is it that I can think about your creation? Kudrat kavan kaha vichar, what can I wonder about it? I cannot even be sacrificed once. And in the last, very very important, that whatever you do, whatever you have created, जो तुद भावे साई भली कार, जो तुझको अच्छा लगता है वो भला है, तू सदा सलामत निरंकार.
यू आर द ऑलवेज प्रिस्टीन फॉर्मलेस गॉड। सो जिहड़ा मैसेज है ना 16वें पौड़ी का, वो मैसेज बहुत ही सिंपल है। आई एक्सेप्ट एंड वॉट इज इट दैट आई हैव टू डू इफ आई वॉन्ट टू बी अ पंच, देन आई हैव टू कंबाइन दया धर्म एंड संतोख। दिस इज द थ्री थिंग्स दैट आई हैव टू इम्बाइब बिकॉज दिस इज द रूल ऑफ योर क्रिएशन एंड वॉट एवर हैपन्स इन योर क्रिएशन everything is actually right for the creation and therefore the message Guru Nanak Dev Ji is giving us, do not try to understand, it is too enormous for you to understand, it is too complex, too large. All you can do if you want a place in His Lord's house is you follow the path of righteousness, compassion and contentment. So, ए मैसेज हैगा 16वीं पौड़ी का। हुण 17वीं पौड़ी जिहड़ी हैगी है इहदे च भी चंगे लोकां दा ही जिक्र हैगा। मेन फोकस जिहड़ा हैगा वो इनफाइनाइट गुडनेस इन क्रिएशन दा हैगा। दैट वेरी ऑफन वी बिकम ईगोइस्टिक कि भी मैं बड़ा ज्ञानी बन गया, मैं गुरुद्वारे रोज जाना, मैं बड़े चंगे काम कर रहा, तो उहदे नाल भी साढ़े अंदर ईगो आ जाती है। इत्थे गुरु नानक देव जी ने दस्या है कि भी असंख हैगे ने साढ़े वतन, असंख असंख जप असंख भाव। जप इज प्योरली टू मेडिटेट। So here Guru Nanak Dev Ji is saying that there are countless ways to meditate and countless people meditating. Kya वैसे खाली meditation बारे है, but वो implied है कि countless are also meditating. But clearly there are countless ways to meditate. Asankh bhav, there are countless people with love in their hearts remembering Vaheguru. Asankh puja, asankh tap tao. Tap aur jap vich farak hai. Tap physical penance naal tap tapasya kiti jandi hai. Jap vaste koi physical connotation nahi hai. Karne asankh loki puja kar rahe ne different different tarike de naal आराधना कर रहे ने, अर्चना कर रहे ने। असंख तप ताओ, असंख लोकी तपस्या कर रहे ने, फिजिकल पेनेंस कर रहे ने। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख ग्रंथ हैगे ने जिदे सारी नॉलेज हैगी है स्पिरिचुअल नॉलेज, ते असंख लोकी अपने मुख तो जिसनु जुबानी कहंदे ने, जुबानी वेद दा पाठ कर रहे ने। असंख जोग मन रहे उदास, असंख योगी, योगी जेड़ा ने वर्ल्डली प्लेजर्स नू रिनाउंस कर दिया गया, दे हैव उन्होंने त्याग दिता है सारे वर्ल्डली प्लेजर्स नू, ओ असंख योगी ने, योगी नू इत्थे जोगी क्या, असंख जोग मन रहे उदास, वो अपने मन जेड़े चंचल मन इंद्रिया उन्होंने डिजायर्स नू रिनाउंस करके त्याग करके वो योग कर रहे ने। योग मतलब रब दे नाल जुड़न की कोशिश कर रहे ने। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख भगत डिवोटी ने वो ज्ञान का रस्ता लैके, विचार का रस्ता लैके, वर्चूज का रस्ता लैके वो स्पिरिचुअल जर्नी ते चल रहे ने। असंख सती असंख दातार, असंख काउंटलेस ट्रुथफुल लोकी ने जेडे सत पाथ नू फॉलो कर रहे ने। असंख दातार, दातार वो है जेड़ा जेनरस चैरिटेबल परसन है, बहुत सारे लोकी ने जेड़े ट्रूथफुलनेस
एंड चैरिटी का पाथ फॉलो कर रहे ने रब दे नाल जुड़न वास्ते। असंख सूर मुह बख सार, बहुत सारे सूरमे ने, सूर इस सूरमा जेड़े ब्रेव वॉरियर्स ने, मुह बख सार जेड़े सार मतलब मेटल, वो लोहे नू अपने मुंह विच लै सकदे ने, या इनू तुसी मुहावरा भी मान सकते हो कि दे आर लोहे के चने चबा दिए किसी को, जैसे बहुत ही ब्रेव वॉरियर जेड़े फेस कर रहे ने मेटल स्वॉर्ड नू। ते असंख सूर मुह भक सार, देर आर काउंटलेस वॉरियर्स हु आर केपेबल ऑफ ईटिंग मेटल और फाइटिंग वेरी वेरी ब्रेवली। असंख मोन लिव लाए तार, काउंटलेस इस तरह के बंदे ने जेड़े मौन व्रत रख के अपना ध्यान, अपना कनेक्शन, इंटेंस कनेक्शन लगा के बैठे ने, लिव लगा के रब नू याद कर रहे ने। फिर भी डिस्पाइट ऑल दिस ही सेइंग, योर क्रिएशन इज सो वास्ट, कुदरत कवन कहां विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। ही सेइंग व्हाइल देयर आर काउंटलेस पीपल हु आर डूइंग ऑल दिस, आई एम स्टिल अ वेरी वेरी स्मॉल पर्सन एंड नॉट केपेबल, नाइदर आर एनी ऑफ दीज पीपल केपेबल ऑफ ट्रूली अंडरस्टैंडिंग हाउ वास्ट एंड इनॉर्मस योर क्रिएशन इज, एंड देयर फॉर वॉट एवर हैपन्स हैपन्स बिकॉज इट इज बेस्ट फॉर क्रिएशन। हुन असी 18वीं पौड़ी शुरू कर रहे हैं। यह सवाल कई बार आंदा है, 18वीं पौड़ी के अंदर सारे माड़े लोगों की गल की है कि भी एदा बाणी च क्यों होना जरूरी है, लेकिन चंगे माड़े सारे दे सारे क्रिएशन का पार्ट है ने, ते एक कंप्लीट कर देने क्रिएशन नू। खाली चंगे लोगों नाल भी क्रिएशन इनकंप्लीट हैगी है, माड़े लोकी ते माड़िया चीजा जिहड़ियां देखण नू माड़िया ने वो भी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया ने, असी देखांगे किस तरह। असंख मूरख अंध घोर, काउंटलेस फुलिश लोकी ने जेड़े बिल्कुल मंद बुद्धि ने, मूरख ने, स्पिरिचुअली मूरख, अंध घोर जेड़े एब्सोल्यूटली डीप डार्कनेस च डीपली ब्लाइंड ने, टोटली टूवर्ड्स स्पिरिचुअल नॉलेज, और दे हैव नॉट स्टार्टेड ऑन देयर स्पिरिचुअल जर्नी, और दे आर एक्चुअली कंप्लीटली फुलिश। असंख चोर हराम खोर, काउंटलेस थीव्स ने जेड़े होर लोकां दियां चीज़ां नू हड़प रहे ने, जेड़े हराम खोर ने, जेड़े एक्चुअली अपना काम ना करके दूजियां दे काम तो अपनी जिंदगी चला रहे ने। हुन अगर असी क्रिएशन इच देखिए, पैरासाइट्स जेड़े ने वो होस्ट दे बॉडी दे अंदर सरवाइव कर दे, ते पैरासाइट्स एक्चुअली बड़ा जबरदस्त रोल भी प्ले करते हैं। दीमक है, जिस तरह दीमक एक्चुअली एक पैरासाइट हैगी है जिहड़ी पेड़ नू खा के पेड़ नू गिरा देंदी है, ते सानू लगता है शहरां च कि भी है दीमक रब ने क्यों बनाई, बड़ी भैड़ी चीज बनाई है, बड़ी माड़ी चीज बनाई है, लेकिन अगर दीमक ना होए ते फॉरेस्ट इच कोई पेड़ जेड़े पुराने ने, जेड़े कमजोर हो गए ने, वो गिरनगे ही नहीं, वो ना गिरनगे ना वो डीकंपोज होंगे, ते नवे पेड़ किस तरह पैदा होंगे,
दीमक बड़ा सोहना रोल प्ले करता है, वह पुराने पेड़ा नू ढा के उदे पूरे मटीरियल नू बायो कंपोस्ट कर दिंदा, कोई मैन्योर बन जाती है फॉरेस्ट वास्ते। अर्थवर्म्स यही काम करते हैं, अर्थवर्म्स पहले सॉयल नू फर्टाइल करते हैं, उदे बाद वही अर्थवर्म जिहड़ा सानू देखने बड़ा माड़ा लगता वो किसी चिड़ी वास्ते खाना बन जाता। सो जिन्हां नू असीं हरामखोर भी समझने हाँ पैरासाइट्स, वो भी एक्चुअली कुदरत दे अंदर कित्थे फिट होंदे ने, वो भी भलीकार दे अंदर आंदे ने, दे आर ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिएशन। वी शुड नॉट बी जजमेंटल, वी शुड नॉट बी डाउटिंग वाई दे आर देयर इन आवर लाइव्स, वेदर दे आर इन एनिमल फॉर्म, इंसेक्ट फॉर्म और इन ह्यूमन फॉर्म, All of them are God's creation. कई बारी बंदा होंदा है वो अपने कुछ पीरियड ऑफ लाइफ वास्ते हराम खोर लगता है सानू कि भी यह हराम खोर है, असी उन्हों राइट ऑफ कर देने हैं कि भी यह बंदा माड़ा है, असी बिल्कुल उन्हों सपोर्ट ही नहीं करते। तो अगर असी यह समझिए कि नहीं यह भी रब की क्रिएशन है, कुछ ना कुछ कारण होएगा कि भी यह अज की डेट माड़ा है, हराम खोर है, यूजलैस है, तो असी उन्हों असी ट्रेन कर दीए, उन्हों दिशा दिखाईए, हो सकता वह ठीक हो जाए, असी जजमेंटल ना होइए। यह मैसेज बेसिकली इत्थे सानू मिलता है कि ईवन दैट परसन और दैट बीइंग इज पार्ट ऑफ क्रिएशन। असंख अमर कर जाहे जोर, बहुत सारे लोकी डिक्टेटर्स किंग्स होए ने जेड़े बड़ी फोर्सफुली अपना किंगडम चलांदे ने, ते ओ फोर्स दे नाल अपने आप नू दे वांट टू बी इमॉर्टलाइज्ड बाय फोर्स। इस तरह दे भी कई लोकी ने जेडे डोमिनेट कर रहे ने। हुन वी हैव टू एक्सेप्ट दीज पीपल आल्सो एज पार्ट ऑफ द क्रिएशन, एंड यू विल सी इन द नेक्स्ट लाइन, असंख गलवड हत्या कमाए, बहुत काउंटलैस इस तरह के ने जिहड़े मर्डरर्स ने जिहड़ा थ्रोट कट करते हैं, गला कट करते हैं, उन्होंने गल वड आख्या। तो अगर असी ह्यूमन फॉर्म देखने तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि भी वाई शुड द मर्डरर ऑल्सो बी पार्ट ऑफ क्रिएशन, बट ही इज पार्ट ऑफ क्रिएशन, ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डिवाइन स्क्रिप्ट। बट वेन यू लुक एट द एनिमल फॉर्म, when you look at a lion, he is also a murderer, but he is part of a food chain which keeps the population of herbivores in check. Therefore, at every point, even that entity is playing a role in the divine creation. Let us not judge. So a lion is a murderer, but he is part of God's creation. असंख पापी पाप कर जाए, बहुत सारे सिनर्स ने जिहड़े केवल सिन ही कर रहे ने, उन्हां नू ऐ सानू मानना पेगा कि भी इट इज़ नॉट फॉर अस टू जज दैम, इट इज़ फॉर गॉड टू जज दैम एंड फॉर गॉड टू टेक केयर ऑफ वट एवर ही हैज टू टेक केयर। वी हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ कंपैशन एज and dharam only and not judge any of them. Asankh papi paap kar jaye, asankh kudyar kude firaye, bahut sare jhoothe loki ne jehda falsehood da message spread karde ne, ajkal te bahut hi zyada ho gaya whatsapp social media, but pehle vi negative gossip hamesha zyada chaldi si gi। ते इत्थे दसिया जा रहा उन्हां दे बारे कि असंख कुड़ियार ने जिहड़े फॉल्सहुड फैला रहे ने, असंख मलेच मल भक खाए, देर आर काउंटलैस स्कैवेंजर्स हु आर ईटिंग वेस्ट। अर्थवर्म इज अ स्कैवेंजर, अ वल्चर इज अ स्कैवेंजर,
the bacteria that is decomposing night soil in the sewage pipeline, the sewer rat, he is also a scavenger. ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੀਵਰ ਰੈਟ ਹੈਗਾ, ਅਰਥਵਰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਲਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਡ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਚ ਮਲ ਭਕ ਖਾਏ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੇ ਪਹਾੜ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਰ ਇੱਕਦਮ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਗੋਡ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਲ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੌਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਟ ਗੁੱਡ ਔਰ ਬੈਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਆਲ ਦੀਸ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ। ਨਿੰਦਕ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਬਟ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨੀਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੁੱਡ ਕਾਲ ਹਿਮਸੈਲਫ ਨੀਚ। ਬਟ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਭਾਵ ਦੱਸਿਆ, ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਦਾ ਭਾਵ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਐਜ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਹਿਮਸੈਲਫ ਆਲਸੋ ਅ ਸਿਨਰ ਔਰ ਇਜ਼ ਹਿਮਸੈਲਫ ਆਲਸੋ ਵਾਂਟਿੰਗ ਇਨ ਸਮ ਵੇ ਨੋਟ 100% ਰਾਈਚੀਅਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈਜ਼ ਸੈਡ ਕਿ ਵਾਟ ਕੈਨ ਆਈ ਪੌਂਡਰ ਓਵਰ ਯੋਰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਸਮਾਲ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਡ ਅਨ ਟੂ ਯੂ। ਜੋ ਤੁਦ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਈਵਨ ਦੀਜ so-called bad things, so-called negative sinners, all these are also there because you must think that they play some positive role in your creation. Oh, formless, ever pristine Lord, I accept that these people are also there for a positive role. ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਂਟਲੀ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਲੋਕੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਭੈੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਲ ਦੀ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਆਰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਬੈਡ ਥਿੰਗਸ। ਹੁਣ 19 ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਅਬਾਊਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਨੈਸ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਦ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੈਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿਡ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ, ਹੀ ਸੇਇੰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੈਟ ਦੇਰ ਆਰ ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਸ that have been created, not one, not two, but countless universes, countless systems of creation. Now jehda hega oh creation nu kiya gaya, oh vi countless hege ne creations. Asank thao, there are countless realms, countless places. Agam agam asank lo, ਅਗਮ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ,
इनएक्सेसिबल। हुन सानू पता है भी यूनिवर्स इन्ना वड्डा है कि कई लाइट ईयर्स दा उहदा एक्सपेंस है। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वन ईयर। इट इज थाउजेंड्स एंड करोर टाइम्स द डिस्टेंस अ कार विल ट्रैवल इन वन ईयर और अ स्पेसक्राफ्ट विल ट्रैवल इन वन ईयर। सो इफ द यूनिवर्स अलोन इज मेनी करोर लाइट ईयर्स लार्ज, इट इज नॉट पॉसिबल देयरफॉर दैट वी कैन reach all those places physically. If light itself takes crores of years to travel. So here Guru Nanak Dev Ji has said it, and he obviously knew how vast the universe was. Agam agam asankh lo, inaccessible, far and countless are the planets, the heavenly bodies. असंख कहे सिर भार होए, कहिंदे इन्ने ज्यादा ने कि अगर उन्हां दियां काउंटिंग शुरू भी करे ते सर भारी हो जांदा। इन्ना वड्डा नंबर हैगा कि करोड़ या लख करोड़ 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 वो भी छोटा हैगा। इन्ना वड्डा नंबर हैगा कि भी वो नंबर इमेजिन करन नाल भी सर भारी हो रहा है। इट इज सो इनफाइनाइट, सो वास्ट। Then he comes to the next aspect of creation. Akhri naam, akhri sala, akhri gyan, geet gun ga. That all his creation, our understanding of it can only be limited to words. It is only by using words that we can conceive of his creation. It is only by using words that we can sing his praise. Salah matlab unki tarif, unki sifat gana. Akhri gyan geet gun ga. Asi akshara naal, alphabets and words de naal hi ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਵਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟੂ ਦ ਯੂਸ ਆਫ ਵਰਡਸ, ਦੈਟ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਓਨਲੀ ਟੂਲਸ ਵਿਚ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਅਸ। ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰਿਟਨ। He's saying that everything, I'm a little unsure here, so I just want to read the next line and then come back. He's saying here that everything has been scripted and that script determines our destiny. It has all been scripted by the Lord. Akhri here is not just alphabet, it is to do with how the God has actually, Vaheguru has actually scripted our entire destiny. Akhri likhan bolan baan, baan is the word. Akhri sir sanjog vikhan, and on our forehead, our destiny is actually inscribed. It is not literally on our forehead, but fundamentally our destiny is encoded by Vaheguru, and the entire creation's destiny has been encoded by Vaheguru. However, on his forehead, there is no destiny written. Jin e likhe तिस सिर नाही, जिसने ये डेस्टिनी हमारी लिखी है, सारी क्रिएशन की डेस्टिनी लिखी है, उसके सर पे किसी की किसी ने डेस्टिनी नहीं लिखी। ही इज फ्री एंड सॉवरन। जिन ए लिखे तिस सिर नाही, जिब फरमाए तिब तिब पाए।
जैसे वो फरमाते हैं, जैसे उनका फरमान होता है वाहिगुरु का, वैसे ही सब कुछ वो पाते हैं। जिव फरमाए तिव तिव पाए, एवरीथिंग दैट ही ऑर्डेन्स ऑल दैट गेट्स डन। सो द इंटायर क्रिएशन इज बाउंड बाय द स्क्रिप्ट एंड हिज कोड, but he is not, he is totally free from the script because he is the one who is writing it. Jeta kita teta nao, vin naave nahi koi thao. He is saying that everything he does, everything that he has done in his is in his own creation. There is no place which is outside of his creation. Jeta kita teta nao, whatever he has done, that only is creation. There is no another person who has created anything. And equally, there is no place where his creation does not exist. So he is saying two things simultaneously, that everything has been created by him and there is no place which is free from his creation. And then the last four lines are the same. Kudrat kavan kahan vichar, what can I ponder about the creation. Varya na java ek var, I am not capable of being sacrificed even once. Jo tud bhave sai bhalikar, whatever pleases you is the right thing. Tu sada salamat nirankar, you are the ever pristine formless God. सो अगेन जिहड़ा 19th पौड़ी है एदा अगर असी समरी कढ़ने आ ते बहुत ही सिंपल समरी है दैट हिज क्रिएशन इज वास्ट, इट इज ओमनी प्रेजेंट, इट इज एवरीवेयर एंड एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड बाय हिम एंड ही इज अबव द स्क्रिप्ट, ही इज द ओनली वन हु इज above this script, everything else is under his script. So that is the four bodies for today. I think Manjeet ji wants to add something here and he can clarify. Gurmeet, thank you. Ek cheez ta tusi mainu kahi hai clarification karne waste, oh main 2 minute karda. पर वन थिंग आई वुड डेफिनेटली लाइक टू से के जिथे तुसी मेंशन कीता असंख कहें सिर भार होए, ओदा सिर भार होए द वे आई अंडरस्टूड यू एक्सप्लेन्ड वाज के जे असंख भी कहिए तो सिर भारा हो जाता है। इथे मतलब महाराज का कहण का यह सी कि भी जे मैं असंख भी कहां तेरी जड़ी क्रिएशन है वो इतनी बेअंत है कि द वर्ड असंख इटसेल्फ इज इनसफिशिएंट टू डिफाइन द ग्रेटनेस द वास्टनेस ऑफ योर एक्सपेंस। सिर भार होए, मेरे सिर ते पाप चढ़ेगा जे मैं उन्हों असंख विच डिफाइन कर दिया। वो इतनी वड्डी क्रिएशन है कि असंख कहें सिर भार होए, मेरे सिर ते भार हो जाएगा, मेरे सिर ते पाप हो जाएगा जे मैं असंख कह के भी डिफाइन कर देना, उदा कोई अंत ही नहीं। मतलब संख्या संख्या वाली गल नहीं हैगी, इट इज बियॉन्ड संख्या। हाँ जी, दैट इज वन थिंग आई रियली वांटेड टू क्लैरिफाई। आई डेंट वांट आवर पार्टिसिपेंट्स टू कैरी deficient message, excuse me for that please. This is very welcome sir. ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
क्लैरिफिकेशन करने वास्ते कहे सी नानक नीच कहे विचार। नानक दे कक्के नू अंकड़ है, इट इज द उत्तम पुरुष फर्स्ट परसन एड्रेस। नीच दे चचे नू अंकड़ है, उत्थे गुरु नानक देव जी अपने आप नू हंबल दिखा रहे हैं। नीच नानक दी विशेषण है, नीच इज एन एडजेक्टिव ऑफ फर्स्ट परसन नानक, क्योंकि कक्के नू अंकड़ है। सो इट इज द फर्स्ट परसन एड्रेस, गुरु नानक देव जी अपने वास्ते हंबल एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप नू। महाराज कहंदे हैं नानक नीच, मैं नीच ए विचार प्रगट करदा। सो दैट इज वट ही वॉज बट विद द मीनिंग ऑफ दिस नानक नीच हेयर। और ए काफी बारी गुरबाणी च आया नानक नीच। ते जदों असीं नानक शब्द दे बारे गल करांगे that time I will explain little more about it, but thanks Gunmeet, thank for giving me the chance. Thanks for the clarification. So I am through with the four bodies and we can have a discussion. हाँ जी, आपके कुछ साथ संगत please. एक गुरमीत जी एंड मंजीत जी, जी सब तो पहली पौड़ी जी आई ओदे विच मतलब जिसनू सैमी कंक्लूड होंदी ए विच जे को बूझे होवे सचियार, जरा तुसी गल कर रहे सी कि वाई आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग द सेम वे। कई बार मैं अगे भी पढ़ा बी दी is it a question and then the answer and why the answer is there before the question. So ode vich main aj tuhadi katha de vichon hi mainu kuch is tarah lag reha si ki shayad Guru Nanak Dev ji express kar rahe han jehda ki panch parwan panch pradhan panche paavai dargah maan, oh itna panchan di positioning bahut upar करके जड़ियां की पहलियां पौड़ियां विचों करके ते एक स्पिरिचुअल लेवल ऑफ थॉट नू काफी उपर लैके फिर उत्थे गुरु साहब ने यह भी कहा कि जदों पंच दी लेवल तक पहुंच जांदे हां ते उस तों बाद यह जड़ी सिस्टी दे विच सिंबोलिकली उन्होंने शायद इहनू रेफरेंस करके धोल धर्म दया कापूत संतोख था प्रख्या जनसूत ओ निट इनटू दी कॉन्स्टिट्यूशनली इनटू धर्म दया एंड संतोख और जिस दे विच ओ आ गया उन्हूं ओ सच्चा बन गया। मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट कि ओ एक बहुत संतोखी पुरख ही सच्चा लेवल ते पहुंच गया ते ओदे विच तां फिर कहंदे जे को बूझे होए सच्चा। हुण वह आदमी बुझदा पिया जरा सचार हो ही गया और वो इतना सूझमान हो गया कि यार ये संसारिक लोग की कहते हैं दवले उपर केता पार, मैं दवले उपर केड़ा पार है जे इन्हें सचार गल कर चुके हैं वो तो पार है ही नहीं, ये तू केड़े भरमां विच पिया है जे इन्हें सचार हो गया ते दवले उपर केता पार तरती होर परे होर होर तिसते पार तले कवन जोर। ते ओ जो तुसीं स्केच बनाया ओदे विच दस्सिया कि धरती थले ते कहिंदे ओदे थले हुण तू किन्ना इहदे बेवकूफी कोई कहेगा कि ओदे थले कुछ है ते तू इन्ना पहुंच गया सचार ते हुण कहिंदे भाई लेकिन तेरी इतनी मिथ हैगी है कि तू कह रहे हैं कि भाई ए हैगा। ते मैं आई जस्ट ट्राइंग कि मैं भी पहले जिसले सांझ करदा सी मैनूं लग रहा सी पहले गुरु साहब अगर ये कहिंदे कि धोल धर्म दया का पूत ते ओ ते समझ आ गया कि वेरी नाइसली तुसी एक्सप्रेस किया लेकिन डबले उपर केता पार नू थले क्यों आ गए। तो मैनू ऐसा लग रहा है कि शायद गुरु साहब ने सानू इस स्टेज ते इस पौड़ी विच सचार तक पहुंचा के फिर क्या कि जो इन्ना सचार बन गया है फिर तो ये जो चीजा तू देखता वे की है वो हस रहे हैं अगे। तो आई एम एम जरा मनजीत जी को कहना कि थोड़ा जा उपर क्लैरिफाई कर दें जरा मनजीत जी। I can't do it क्योंकि मैं तुहानू ऑनेस्टली एडमिट करदा कि हाले मैं व्याख्या के स्टेज पर पहुंचा नहीं।
और व्याख्या मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं हाले 1.5-2 साल घट तो घट लगने हैं उस स्टेज पर पहुंचण ते, ते जब तक मैं अपनी स्टडी ना करा मैं गलत चीज नहीं तुहानू दसना चाहता। आई मे टेक अ लाइफ लाइन ऑन दिस और भैन जी नूं बेनती करदे आ जे ओ इस ते ज्ञान पाउण। मनदीप जी, भैन जी मनदीप कौर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो समझाया वीर जी उन्होंने बहुत वधिया तरह समझाया है ते इसे तरह ही है जिम्मे इन्होंने दसिया कि यह तो एक मूर्ख मत सी भी आप जो मनिया जाता से हिंदुइज्म दे विच तौल धर्म दे आ कपूत कहते भी किनिया क धरतियां होर हो फिर किनिया क धरतियां वा जिहड़ियां थले आप गिणांगे ते जे एक दे उत्ते एक दा भार बल्द ने रखिया फिर थले उहदे ते उस बल्द नूं भी ते खड़न लई कोई ना कोई धरती चाहिए है ना। इस करके महाराज ने कहा भी जे आपां जो भी असीं मन्नणा है जां की आ ते उहनूं क्यों नहीं मन्नदे जिन्हें कीता पसाओ एको कवाओ जिहदी एक आवाज़ दे उत्ते ही जिहड़ा सारा कुछ बन गया एक हुक्म दे नाल ही सारा कुछ बन गया। जे हुण आपां देखीए कि असीं कोई साइकिल बनाउण वाली फैक्टरी आ जां कोई कार बनाउण वाली फैक्टरी आ उह एक एक सांचा बनाउंदी है सांचा बना के ते बाद विच उस चीज का दोबारा उन्हों उस सांचे नूं मतलब जिहड़ा वा उहदे विच बनाया जांदा है। पर कुदरत ने देखो कुदरत दा नियम उस अकाल पुरख दा निज़म देखो भी बंदा बनाया बाद विच उहनां नूं कोई जिवें कीता पसाओ हुक्म उहनां दा कि जिवें उहदे तों फिर बाद विच मात पिता बिन बालना होए जां अजे दरख्त बणदे आ जां कुछ भी सारी क्रिएचर नूं देख लईए ते इह सारा कुछ जो मतलब वीर जी ने समझाया बिलकुल सही आ जिवें उहनां समझाया मतलब उही चीज है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਚਾਰ ਮਤਲਬ ਸਚਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਵੀ ਸਚਾਰ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਇਆ ਸਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਗਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਸੰਖ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हमेशा दी तरह मैं देख रहा गुरमीत वीर जी ने बड़े ही प्रेम नाल आहिस्ता आहिस्ता साडे दिमाग च ना पाण दी कोशिश की है और ये कुछ ऐसिया पौड़ियां ने कि इन्हू जिन्नी बार पढ़ो इहदा मतलब थोड़ा होर गहरा हो जाता है। ਤੁਸੀਂ 6 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛੋੜੋ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਪੌੜੀ ਕਹੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਫੀਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਫੀਲ ਜੋ ਆਇਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨੈਕਟ ਪੰਚ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਚ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪੰਚ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਬਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗੋਚਾ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਗੇਮ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਓ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇਖੋ ਛਾਤਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਲਵੋ ਜਿੱਥੇ ਅਖੀਰ ਦੀਆਂ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕਰਨੇ ਨਾਹੀਂ ਸੁਮਾਰ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕਰਨੇ ਨਾਏ ਸੁਮਾਰ ਇਹ ਗਲਤੀ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ।
ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਨਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਤਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੰਖ ਚ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਅਸੰਖ ਨਾ ਹੋ ਅਸੰਖ ਕਹੇ ਅਸੰਖ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੀਏ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਕਾਈ ਦਾਈ ਸੈਕੜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਨੀਲ ਪਦਮ ਸੰਖ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਸੰਖ ਵਰਡ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ 10^18 ਦੇ ਇਕੁਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੰਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਖ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਗਈਆਂ ਮੈਂ 1, 2, 3 ਕਰਕੇ ਗਿਣਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਖ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੋਜ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਅਗਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤੇ ਸੰਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 10^18 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕਿਤੇ ਸੰਖ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਚ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਖ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਰਡ ਅਸੰਖ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸੰਖ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਦਰਦ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਸਿਸਟਮ ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਸਿਸਟਮ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਬੇਅੰਤ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਅਸੰਖ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਔਰ ਨੋਨ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਕਹੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਸੰਖ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਯੋਂਡ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਚ ਹੋ ਬੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਾ ਕਦੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਫੀਲ ਹੈ ਮੈਂ 100% ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਸੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਰਡਸ ਹੋਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਇਮੈਜਿਨ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਕਈ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਈ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਲ ਫੋਰਮਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਅਤੇ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲੋਰਡਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਹੈਵ ਗੋਨ ਟੂ ਨੈਨੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵਿਚ ਇਜ 10^-9 ਐਂਡ ਨੋਨ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇਟ ਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਸੋ ਵਾਸਟ ਸੋ clearly it is beyond numbers the whole existence ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਪੌੜੀ ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਫੀਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਚ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕਿ ਕਰਨੇ ਨਾ ਸੁਮਾਰ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਹੰਬਲ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਟੂ ਐਮਬ੍ਰੇਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
सार है ना जी, वो रब नू एक्सपीरियंस किया जा सकता है थ्रू अवेयरनेस, अंडरस्टैंड करना, डिस्क्राइब करना। जिस तरह फर्ज करो कि चींटी है, असी चींटी नू कहिए भी तू न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गई है, उन्हें समझा दे। पहले तो असं चींटी नू लैंग्वेज ही नहीं समझा पावांगे। सानू लगता भी चींटी कोल दिमाग नहीं है, साढ़े कोल हैगा। एक्चुअली साड़ी मेंटल अवस्था चींटी वक्त नहीं है। अगर एक्चुअल देखा जाए ना, साड़ी जिहड़ी नॉलेज है वो हो सकता है यूनिवर्स नू समझन वास्ते जिनी इंटेलेक्चुअल हॉर्स पावर चाहिए है वो साडे कोल हैगी नहीं। असी चींटी हैगे आ ना, असी चींटी नू इकोनॉमिक सिखा पावांगे ना उन्हूं कदी समझ आएगी। अगर असी किसी पिंड दे बंदे नू भी फड़ के समझाने की कोशिश करिए, चंगे चंगे इकोनोमिस्ट नू नहीं समझ आते, मंत्री बन जाते हैं साडे इत्थे। ते मोटी गल हैगी है कि इट इज़ बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन, वी मस्ट एक्सैप्ट इट। सैकेंड थिंग, वी मस्ट नॉट बी जजमेंटल। माड़ी जिहड़ियां चीज़ां ने वो भी एक्चुअली चंगियां ने। मतलब यह भी मैसेज बड़ा जरूरी है। एक तो काउंटलैस चीज तो हैगिया ही ने, बट जेडे नेड़े सानू लगता भी दीमक माड़ी है, अर्थवर्म माड़ा है, सारिया चीजा बैक्टीरिया माड़ा है, कुछ भी माड़ा नहीं। कोविड भी माड़ा नहीं है अगर असि यह मान के चलीए कि भी वह रब की क्रिएशन है तो रब की क्रिएशन ही। मोमेंट यू एम्ब्रेस पॉजिटिव एंड नैगेटिव, योर एटीट्यूड टू लाइफ चेंजेस। मैं अज की डायलेट एक्चुअली देख रहा कई लोग एकदम डर के घर के अंदर बंद बैठे ने, लाइफ में उन्होंने एकदम फुल स्टॉप लगा लिया, ते कई लोगों ने एम्बरेस करके उन्हों चंगी तरह कॉम्बैट कर रहे हैं। सो वी हैव टू एम्बरेस, एक्सेप्ट एवरीथिंग द वे इट इज, देन मूव ऑन एंड एक्सेप्ट इट एज गॉड्स क्रिएशन। मैनू ऐप सेंट्रल मैसेज लगता है चारों पौड़ियों का। बिल्कुल। एनी होर कोई जी किसी का कोई क्वेश्चन होए ते नहीं ते मैं अपना भैन जी नूं मनदीप कौर जी नूं बेनती करांगा कि मंगलवार की क्लास के बारे थोड़ा जा सानूं जस्ट गिव अस ए लिटल थॉट ऑन दैट। और थैंक यू वेरी मच गुरमीत जी फॉर योर एग्जॉस्टिव स्टडी एंड गिविंग अस द इनसाइट इन वेरी ब्यूटीफुली डेलीवेटिव वे। मैं कहना कि एक तो जरा ना समझाने का तरीका जो होता है ना वो बहुत जरूरी है, तो जिससे जरा तुम क्लीयर सहज न समझाते हो वाकई ना, इट टचिज योर हार्ट एंड द एक्सप्रैशन रियली गोज इन। सो रियली ग्रेटफुल टू यू। एंड एक फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, I would say the this is what I'm just saying ki not praising my friend, but that is what ki gurmukh janam sawal darge chaleya, oh ek cheez hai nahi hai ki darge itthe milna hai ga aur kithe jana hai ga, that is the expression. Bahut hi anand aaya. Main panji nu binti karanga tusi please थोड़ा जा सानू चानन पा दियो कि जिहड़ी मंगलवार दी क्लास है ओदे विच थोड़ी जी डिस्क्रिप्शन किस तरीके नाल होएगी सर कोई। हां जी हां जी, सरदार मनजीत सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे। हां जी हां जी, मनजीत जी, मनजीत जी तुसी म्यूट ते हैगे। मैं खाली मजाक करन लग्या सी गुणमीत नाल। गुणमीत कहंदा कोविड भी चंगी है ते इहदा मतलब चाइना च भी रब है। Absolutely. और चाहे मन्ना नहीं आना मन्ना रखते हैं ये ना सर। हाँ जी बोले सो नेहा वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह।